दोस्तों अगर आपका 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे वॉच टाइम या फिर आपका 3 मिलियन व्यू 90 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप अपने चैनल को हब मोनेटाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो क्या है प्रोसेस, वो पूरा फुल प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको और सारी चीजें बता देते हैं कि आपको अभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए, और अगर यहाँ पे अपना हाफ चैनल मोनेटाइज करेंगे तो क्या इनकम मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी बातें हम जान लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि हाफ मोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे मोनेटाइज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे हमने एक स्लाइड बना रखा है, यहाँ पे सब्सक्राइबर है, यहाँ पे वॉच टाइम है, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का व्यू है, यहाँ पे कितने दिन में ये कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बना के रखे हैं, पहले से ही स्लाइड बना के रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका सब्सक्राइबर 500 घंटे आपका हो जाता है और साथ ही साथ आपका 365 दिन के अंदर आपका 3000 घंटे वॉच टाइम हो जाता है, अगर ये नहीं होता है तो फिर अगर आपका व्यू हो जाता है शॉर्ट वीडियो से 90 दिनों के अंदर 3 मिलियन तो फिर आप अपने चैनल को हाफ मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना चैनल को फुल मोनेटाइज करते हैं इसके लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 घंटे वॉच टाइम 365 दिन के अंदर और आपका 10 मिलियन व्यू होना चाहिए 90 दिन के अंदर। इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लीजिए, या फिर 4000 घंटे वॉच टाइम लॉन्ग वीडियो से या फिर शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन व्यू, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बता देते हैं आपको जो हाफ मोनेटाइज होगा उसमें क्या क्या आपको क्या क्या मोनेटाइज होगा, कैसे कैसे इनकम आएगी वो बता देते हैं। दोस्तों हाफ मोनेटाइजेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसमें आपका मेंबरशिप ओपन हो जाता है। मेंबरशिप अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपके चैनल आपकी वीडियो से अगर कोई भी इंप्रेस होता है और आपका मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो मेंबरशिप ले सकता है आपको पैसे पे करके, और आपका ये सुपर थैंक्स आपका चालू हो जाता है। अगर सुपर स्टिकर सुपर थैंक्स आपको अगर कोई बंदा आपकी वीडियो से इंप्रेस हुआ और आपको धन्यवाद करना चाहता है, कुछ आपको गिफ्ट देना चाहता है तो उसके लिए आपका सुपर थैंक्स आपका चालू हो जाता है। और आपको एक बटन मिल जाती है, एक फीचर मिल जाता है शॉपिंग का, तो जैसे अफिलिएट मार्केटिंग काम करता है सेम वैसे यहाँ पे शॉपिंग का एक अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों आप अपना अगर फुल मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं तो फुल मोनेटाइजेशन में आपको ये तीन फैसिलिटी तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको जो मेन इनकम होती है वो होती है वॉच पेज एड्स। वो होता है जब अपना कोई भी लॉन्ग वीडियो आप देख रहे होते हैं तो जैसे वीडियो को प्ले किया जाता है तो स्टार्टिंग में बीच में या एंड में एड आ जाते हैं दोस्तों, उसे एड से पैसा मिलता है यूट्यूबर्स को। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये वाली इनकम स्टार्ट हो जाती है। और ये है शॉर्ट फीड एड्स, यानी शॉर्ट का अगर आपका चैनल है शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपका शॉर्ट फीड एड्स के माध्यम से आपका पैसा आपको आता है। अगर आपका लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो फिर आपका वॉच पेज एड्स के माध्यम से आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये हो गई, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका हाफ चैनल मोनेटाइज करते हैं तो क्या हाफ चैनल मोनेटाइजेशन करना सही है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना हाफ चैनल मोनेटाइज करते हैं तो इसे सिर्फ मेंबरशिप सुपर थैंक्स और शॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पे चालू होता है, जो कि ये कोई देता नहीं है, क्योंकि आप अपने चैनल पे नए होते हैं और जब नए होते हैं तो मेंबरशिप कोई इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं होती है कि कोई मेंबरशिप आपका ले ले या सुपर थैंक्स आपको दे या शॉपिंग का, तो चलो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया इसको तो साइड में ही कर देते हैं। यहाँ पे ये दो चीजें कोई भी इतनी जल्दी नहीं देता है, क्योंकि नए चैनल पे आपके अंदर भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है कि आपको कोई सुपर थैंक्स देके आपका धन्यवाद करे। लेकिन दोस्तों फुल मोनेटाइजेशन में आपका इससे कोई मतलब भी नहीं रहता है, और रहता भी है, क्योंकि अगर इससे कोई भी सुपर थैंक्स या मेंबरशिप नहीं भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नया चैनल आपका है और फुल मोनेटाइजेशन कर लिया है तो वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड एड्स के माध्यम से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपका कोई बंदा देख रहा होता है तो आपके चैनल पे जैसे ऐड आएगा तो समझ लीजिए कि आपका अर्निंग होने लगा। और दोस्तों अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, हाफ मोनेटाइज और फुल मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हाफ मोनेटाइज कर लेंगे और सुपर थैंक्स और मेंबरशिप अगर कोई आपको नहीं देगा तो हाफ मोनेटाइजेशन चैनल करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपका 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे वॉच टाइम के साथ या फिर आपका 3 मिलियन व्यू कंप्लीट हो जाता है 90 दिन के अंदर, तो अगर अपना हाफ चैनल मोनेटाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है आप अपने चैनल को चेक करने का। जैसे कि अपने चैनल को आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल चेक होता है, और चेक होने में आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि आपके किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कभी अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट होता है तो फिर आप दोबारा से 90 दिन के बाद ही दोबारा से
आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्राइटेरिया बहुत सारे लोगों को एक एक साल लग जाता है या कम भी लगता है, ज्यादा भी लग जाता है, तो बहुत इंतजार करने के बाद ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाते हैं हर कोई और तभी जाके चैनल मोनेटाइजेशन पे पहुंचते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे अगर चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि अरे इससे क्या फायदा, अब हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम या 90 मिलियन व्यू कंप्लीट करके तभी चैनल मोनेटाइज करेंगे। मान लिया कि आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट भी करी बहुत मेहनत करके और उसके बाद आपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और आपकी वीडियो में कहीं पे कोई गलती दिख गई तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, नहीं मोनेटाइज हुआ, तो उसके बाद दोबारा से 90 दिन के बाद ही आप कर पाएंगे तो चैनल को फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा और आप उसी टाइम में आपका चैनल भी चेक हो जाएगा और चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बताते हैं कि YouTube चैनल हब मोनेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे और चैनल मोनेटाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे आ गए हैं जो कि लॉजिकल कश्यप के नाम से चैनल है और इनकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अर्न वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है जो कि बीकम ए यूट्यूब पार्टनर, यानी कि यहाँ पे ये हम मोनेटाइजेशन के लिए, ये अब हम मेंबरशिप और सुपर्स और ये शॉपिंग, ये तीन ऑप्शंस होते हैं और इनको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपना फुल मोनेटाइजेशन करते हैं तो फिर आप ये देखिएगा वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड एड्स ये इनेबल करना होगा फुल मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है ये दोस्तों आप देख रहे होंगे 4000 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए 365 दिन के अंदर। अगर ये नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आप फिर शॉर्ट वीडियो से 90 मिलियन व्यू 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। साथ साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर भी करना होता है। लेकिन इनका जो सब्सक्राइबर है, इनका सब्सक्राइबर 2500 हो गया, यानी कि 500 प्लस हो गया है, 500 से ज़्यादा कोई भी सब्सक्राइबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हब मोनेटाइजेशन ये कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि वॉच टाइम इनका कंप्लीट हो गया है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, तो अप्लाई नाउ वाले पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा स्टेप्स टू अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो तीन ऑप्शंस, पहला है रिव्यू बेस्ड टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको आप इनेबल करेंगे तो ये तुरंत ही हो जाएगा, जो कि रीड दीज टर्म्स केयरफुली एज दीज अप्लाई टू योर एप्लीकेशन इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप जब भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करें तो बहुत केयरफुली, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक और सावधानी से करें, क्योंकि आप कोई भी गलती मत करिएगा, कोई भी डिटेल्स आपसे पूछे तो कोई भी गलत डिटेल्स आप यहाँ पे फिल बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा, तो आप क्या करना है, आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद ये जितनी भी टर्म्स आपको पढ़ना है, अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स, तो आपको इसको ये एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रोग्राम आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब दो स्टेप आपके यहाँ पे बचे हुए हैं, जो कि दूसरा स्टेप है आपका साइन अप फॉर एडसेंस फॉर योर यूट्यूब, दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पे साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएट ए न्यू एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट आर अकाउंट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट टू योर चैनल, यू नीड ए एडसेंस फॉर यूट्यूब टू मोनेटाइज एंड गेट पेड। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका पहले से कोई यूट्यूब चैनल के लिए अगर एडसेंस अकाउंट है तो आपका वही काम करेगा, आपका एक आईडी प्रूफ से एक ही एडसेंस अकाउंट ओपन होता है, दो नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडसेंस अकाउंट एक ओपन करना होगा और यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, वो हम आपको प्रोसेस यहाँ पे बताने वाले हैं। ये प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, अगर यहाँ पे कोई भी गलती करेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहा है कि आपके पास अगर पहले से है आपका एडसेंस अकाउंट तो आप वहीं लगा सकते हैं, अगर नहीं है पहले से तो आप यहाँ पे न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से होता है तो पहला वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, अगर नहीं होता है तो फिर आप नो आई नीड टू क्रिएट वन। तो दोस्तों नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आपको इसके बारे में पता ही नहीं तो आई डोंट नो पे क्लिक कर देंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जानकारी हम मुझे है। और यहाँ पे अगर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि एडसेंस अकाउंट आपको नया क्रिएट करने के लिए नो आई नीड टू क्रिएट वन पे आपको क्लिक कर देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये डिटेल्स देख सकते हैं। आप क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके आपके क्रोम ब्राउजर पे और आपका चैनल यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपसे पूछने लगेगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, आपको यहाँ पे जीमेल आपको दिख रहा है तो सिंपल आपको जीमेल आईडी अगर आपका यही है तो आप यहीं सेलेक्ट करिएगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कई सारे जीमेल हो तो जिस जीमेल आईडी से आपका चैनल यूट्यूब चैनल है वो जीमेल आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप जिस जीमेल आईडी से आप अपना आप अकाउंट बनाना चाहते हैं एडसेंस का वो जीमेल आप सेलेक्ट करिएगा। तो वो हमेशा आप अपने पास यूज़र आईडी पासवर्ड हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे अपना हम जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लिए हैं और जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको योर चैनल यानी कि आपके चैनल का लिंक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा होगा तो यहाँ पे लिखा है योर बिलिंग कंट्री टेम्परेरी। तो यहाँ पे आपको अपने देश को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस कंट्री से हैं वो आप अपने यहाँ पे कंट्री चूज कर लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे इंडिया से हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे इंडिया चूज करने वाले हैं। ये दोस्तों इंडिया यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी आ जाएंगी नीचे। तो इसको भी अगर ये टर्म्स भी आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद फिर सबसे नीचे आप चले जाइएगा, यहाँ पे सबसे नीचे जाइएगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ये टिक मार्क आपको मिल जाएगा तो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि हमने इसको पूरा रीड कर लिया है और रीड करने के बाद हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये एक एग्रीमेंट होता है। और ये करने के बाद आपको ये टिक मार्क जैसे आप कर लेंगे और टिक मार्क करने के बाद अब दोस्तों क्या होगा कि आपका यहाँ पे एडसेंस की इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे अंशु कश्यप यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ये यहाँ पे हम लिखे ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक आया हुआ है यहाँ पे और ये हमारे जीमेल आईडी पे लिखा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो भरनी है यहाँ पे सबसे ऊपर अकाउंट टाइप आपको इंडिविजुअल ही रखना है और नेम एंड एड्रेस जो पूछ रहा है यहाँ पे अगर आपका नाम ही सेम आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे आपका नाम लिखा है तो आप वहीं रहने दीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट के नाम हिसाब से आपका यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे एडिट कर देना है क्योंकि यहाँ पे चैनल का नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो आपके आधार पे आपके आईडी कार्ड पे आपका जो नाम हो वहाँ पे वो यहीं वो नाम आप यहाँ पे आपको डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंश नाम है और यहाँ पे हम अंश डाल दिए हैं और अंश नाम डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है, सिटी डाल देना है, पोस्टल कोड डाल देना है और अपना स्टेट डाल देना है, उसके बाद ही सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स तो आप फिल कर लेंगे लेकिन यहाँ पे आपको पोस्टल कोड दिख रहा होगा, आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये पोस्टल कोड क्या है। तो दोस्तों पोस्टल कोड आपके एरिया का पिन कोड होता है, वहीं आपको यहाँ पे डालना है। तो ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं अपनी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर लिया है और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स फिर से हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद दोस्तों फिर से आपका एडसेंस रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके वाइट लिस्ट। दोस्तों अब आप देखिएगा यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस लिख के आ गया है एडसेंस अकाउंट। यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा और 2 से 3 हफ्ते में ये हमारा एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जैसे हमारा एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन पे हाईलाइट हो जाएगा और ये तीसरे वाले में आपका चैनल चेक होगा। चैनल चेक होने के बाद आपका चैनल परमानेंटली आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपका ये एडसेंस अकाउंट आपका ओपन होना जरूरी है, जो कि आपने ओपन करने का प्रोसेस आपने कर दिया है यानी कि हमने कर दिया है। और 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, हालांकि 2 से 3 हफ्ते के इससे कम ही का टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 2 से 3 हफ्ते का यहाँ पे दिखा रहा है। और जैसे आपका ये एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपका गेट रिव्यू पे आपको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका गेट रिव्यू पे ही आपका चैनल चेक होता है और चैनल चेक होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों देखा, जैसा कि आपने देखा कि हाफ मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितना सरल है और कितना अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है बस। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। दोस्तों अगर आप अपना चैनल बना रखे हैं और आपके चैनल पे व्यू नहीं जाता है, वीडियो डालते हैं तो आपका व्यू नहीं आता है, तो दोस्तों इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने चैनल को सही तरीके से क्रिएट न किया हो, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं वो आप अच्छे तरीके से न किए हो। तो दोस्तों अगर अपने चैनल पे अगर सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो ए टू जेड सेटिंग कैसे की जाती है वो हम सारी सेटिंग्स के बारे में दूसरे वीडियो में जिक्र किए हुए हैं और सारी बातें बता रखे हैं। दोस्तों वो वीडियो यहाँ पे चल रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।